झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और इस वक्त संबोधित भी कर रहे हैं, सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। 25-30 महीना का हम लोगों का कार्यकाल रहा है और मुझे नहीं लग रहा है कि इस सभागार में कोई ऐसा महीना गुजरा हो जिस महीने में हमने कोई नियुक्ति पत्र ना बांटा। इस सभागार और कई बार तो इतने बड़े पैमाने में नियुक्ति पत्र बांटे गए जहां हमें बड़े जगह खोलने की आवश्यकता पड़ी। जब हमें आम शहर में ये जगह नहीं मिला तो हमें खेल गांव के स्टेडियम में लोगों को नियुक्ति पत्र बांटना पड़ा। तो ये सभागार साक्षी है, अनेक विभागों के नियुक्ति के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्रों में कई नियुक्तियों को लेकर के डॉक्टरों की नियुक्ति हो या फॉरेंसिक लैब के लिए उनके लोगों की नियुक्ति हो, कई तरीके। आज लगभग 500 लोग यहाँ पर महिला पुरुषों को नियुक्ति पत्र से आप नवाजे जा रहे हैं और आप सरकार के अभिन्न अंग के रूप में काम करेंगे। आपसे हमारा एक ही गुजारिश है, झारखंड देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य, हमारी हर प्रयास है कि इस गरीब पिछड़े राज्य को एक समृद्ध और मजबूत राज्य बनाए। बन सकता है, ऐसी बात नहीं है। कहीं ना कहीं इस राज्य की कुछ कमजोरियों को कुछ व्यवस्था ने इसको अपना एक ढाल बना रखा और उसका सदुपयोग नहीं हो पाया। आज आप सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में काम करेंगे, आपको गांव में दिखेगा कि हमारा गांव कितना सरल और सीधा साधा है, वहां के लोग कितने भोले भाले। और अभी आप नियुक्ति पत्र लेकर के आप जब जिन क्षेत्रों में जाएंगे आपके कार्य कुशलता से वो आपको अपने सरों पर बैठाएंगे। वहीं कई जगहों पर ऐसी शिकायतें आती हैं कि लोग नियुक्त तो हुए लेकिन पता चला कि उस समुदाय केंद्र में महीने में एक बार दो बार लोग जा रहे हैं। मेरा आपसे ये आग्रह है क्योंकि आप सरकार के झारखंड में चुनाव भी अब नजदीक है, ऐसे में झारखंड के मुख्यमंत्री की पूरी कोशिश है यहाँ पर हेमंत सोरेन की कि वो लोगों के बीच अपनी जगह अच्छी तरह से बना सकें और चुनाव में जीत दर्ज कर सकें और नियुक्ति पत्र बांटते हुए हेमंत सोरेन।